आज आप ट्रैक्टर की फॉर्म वॉशिंग देखो, ये देखो जी। नमस्कार किसान भाइयों, राम राम भाइयों। आज का जो वीडियो है, जिन ट्रैक्टरों के ऊपर सफेदी आ जाती है इंजन वगैरह पे, तो उसके लिए स्पेशल वीडियो है जी, कैसे इस सफेदी को दूर करना है। तो भाइयों, इसका जो पहला पार्ट है, मैंने इस पे ईजी और डीजल लगा रखा है घर से एक रात के लिए पूरा। तो अभी जो है इस सफेदी को दूर करेंगे जी, और एक खास गन से ट्रैक्टर को धोएंगे। कहाँ पे ये ट्रैक्टर की धुलाई होती है ये भी मैं आपको बताऊंगा। तो हमारे उत्तम भाई हैं, हमने पहले भी इनसे काम कराते हैं। तो उत्तम भाई क्या क्या कैसे कैसे धोना है ये? पहले तो सब पानी मारेंगे प्रेशर से, ठीक है। उसके बाद फोम मार के कपड़ा मारेंगे, फिर उसके बाद पानी मारेंगे, उसके बाद जो आपकी गन की टेक्नोलॉजी है प्रेशर वाली, वो क्या कहे की है जी? वो बढ़िया प्रेशर है, ये वाला प्रेशर है वाली है जी, जापान की है। जापान की है तो भाई प्रेशर दिखाओ, पूरा प्रेशर करके पहले खाली पानी मारो। तो भाई जो सफेदी है उसका यही इलाज है। चलो जी। तो भाइयों, ये जो प्रेशर है ना, बहुत ही गजब का प्रेशर है। तो देखो भाइयों, सफेदी कैसे दूर होगी आज इसकी। तो पहले पूरा पानी लग जाए इस पर। तो भाइयों, मैंने घर से भी इस पर डीजल और ईजी लगा लिया था, देख सकते हो आप। डीजल और ईजी ने अपना काम बखूबी कर दिया है, लेकिन इसी प्रेशर से बात बनती है भाइयों। नॉर्मल प्रेशर से वो सफाई आ नहीं पाती। तो भाइयों, जो गन का प्रेशर है वो आप आवाज में भी महसूस कर पा रहे होंगे भाई, देखो जहां जहां पानी लग गया। तो भाइयों, गन का प्रेशर है पूरा है, तो आप लोग देख सकते हैं। ईजी जो है और डीजल लगाने के बाद कुछ ये कंडीशन की हो गई है। तो पूरा एन जो डीजल को उतारा है, इसी गन ने उतारा है जी। अभी इसके ऊपर जो है फोम लगवाएंगे, फोम के बाद अच्छे तरीके से कपड़ा लगाएंगे। तो पूरा प्रोसीजर देखते रहना भाइयों, कुछ मिस मत करना। तो भाइयों, उत्तम भाई क्या नाम है इस चीज का? फोम है। ठीक है, चलो जी चलाओ। तो भाई, फोम वॉशिंग कारों की बहुत देखी होगी, आज आप ट्रैक्टर की फोम वॉशिंग देखो, ये देखो जी। तो आज ही वाह भाई, इसको कुछ देर लगा के छोड़ देंगे। ये देखो जी, फोम वॉशिंग। चलो ये देखो जी, फोम वॉशिंग ऐसा हो गया जैसे ट्रैक्टर पे कली कर दी हो। तो भाई, उत्तम भाई जो है हमारे काम तसल्ली से करते हैं, और बात सारी भाई, कोई भी भाई जल्दबाजी में बिल्कुल मत आइयो। अगली कार्रवाई क्या है? अगली कार्रवाई इसका जहाँ भी डस्ट वगैरह जो चिपकी होगी वो उसे कपड़े से साफ करेंगे। ठीक है। तो भाइयों, ये जब फोम अपना काम कर देती है तो 15-20 मिनट बाद ऐसे ये निकलने लगती है, उसके बाद लगता है जी अच्छे तरीके से कपड़ा। कपड़ा दिखाओ आप अपना, तो कपड़ा भी स्पेशली है भाई। चलो, काम है पूरा तसल्ली वाला, परफेक्ट। तो अब क्या कर रहे उत्तम भाई? ठीक है, शौक में कोई कमी नहीं, मतलब चाहे कार हो चाहे ट्रैक्टर हो, काम वही करना है। तो देखो जी भाई, इतनी मेहनत कोई नहीं करता जितना अपने उत्तम भाई करते हैं। तो भाई, जो शौकीन बंदे हैं वो इनके पास पहुंचो, और टाइम लेके। ऐसा नहीं कि भाई यार पहले हमारा कर दो और जल्दी करो, जल्दबाजी वाला यहाँ कोई भी काम नहीं है। तो भाई, देखो ये जो ब्रश मारा है ना, तो यहाँ आधा टायर दिखाओ भाई, ये देखो जी कितनी मैल निकल रही है टायर में से। ये शौक की बात है जी बस, नहीं ट्रैक्टर के टायर को ज्यादा चलना तो मिट्टी में ही होता है, पर एक बार जो है काम की कोई भी दिक्कत नहीं है भाई। इस कंडीशन में आ चुका है कपड़ा लगने के बाद, अब जो है फाइनल पानी लग रहा है इसके ऊपर। तो भाई, ट्रैक्टर जो है इस कंडीशन में हो गया है पूरा, आप वॉक अराउंड देख लो ट्रैक्टर का। तो अभी तक इसकी ऐसी वॉशिंग जब से ये नया बना है तब से तक नहीं हुई होगी, लेकिन ये है कि सफेदी का जो है नामो निशान मिट गया।
और ट्रैक्टर में बढ़िया वाली चमक आ गई है जी। एक अब मैं आपको कलर की चमक दिखाता हूँ, अभी कपड़ा लगना इस पर बाकी है, पर जो यहाँ पे बहुत सारे सफ़ेद सफ़ेद थे वो बिल्कुल हट गए हैं भाइयों। इसमें पूरा प्रोसीजर समझ लो आप भाइयों, सबसे पहले इसको डीजल और ईजी से कल शाम लगा दिया था, तो आज भी लगभग इसको धोते धोते 2-2.5 घंटे हो गए। फॉर्म लगा के छोड़ी, तो उसके लगाने के बाद कोई पानी नहीं लगाया जी, इसको हल्का हल्का धो के अपना जो ईजी और पानी लगा दिया था, उसके बाद जो है आज इसको बड़े प्रेशर वाली गन से डीजल और ईजी को उतारा गया, फिर इस पर फॉर्म लगाई गई और फिर कपड़ा मारा गया जी, और फिर से एक बार पानी से वॉशिंग करी गई। तो कंडीशन देख लो जी आप लोग, ये देखो जी। तो उत्तम भाई ये क्या फाइनल काम क्या रह गया इसमें? ठीक है दिखाओ, ये कैसे कर रहे थे आप, पानी सुखा रहे हो? ठीक है उत्तम भाई, आपका भी तो चैनल है, क्या नाम है? मेरा भी एक चैनल है हाँ। और वो है, व्लॉग बनाता हूँ अतिक्स के व्लॉग, अतिक्स के व्लॉग, अतिक्स के व्लॉग भाई, भाई का चैनल जाके देखियो। तो ये भी एक यूट्यूब बनाता हूँ मैं भी। ठीक है ठीक है, सपोर्ट करें मुझे। बिल्कुल बिल्कुल। तो भाई अब फाइनल, अब पानी सुखा के पॉलिश मारनी बाकी है। तो भाई ट्रैक्टर हो चुका है फाइनल पॉलिश वालिश लग के, तो ये एक शौक की बात है जी। तो भाई वो उत्तम भाई का जो डग है वो यहाँ पे है मुजफ्फरनगर पे, देखो जी लोकेशन देख लो, ये लगा हुआ है बोर्ड यहाँ पे नाथ फार्म के सामने, बोपा रोड के ऊपर है, और भाई का चैनल भी है, सारे भाई सपोर्ट करियो। तो काम देखो आप भाई का, एन चमका दिया है ट्रैक्टर को, तो मुझे नहीं लगता कि अभी तक इसकी कोई ऐसी धुलाई हुई होगी। तो भाई काम देख के बताना कि कैसा। तो सारा काम होने के बाद देखो जी अब चलिए टायरों की पॉलिश, ये देखो जी पॉलिश लगा हुआ टायर। भाई कुछ लोग मुझे ये कहेंगे कि भाई कर क्या रहे हो ट्रैक्टर के टायरों पे पॉलिश, बस ये एक शौक की बात है और शौक का कोई मोल नहीं होता। तो ये देखो पहले ये टायर देखो नॉर्मली, उत्तम लगाइए पॉलिश, ये देखो जी टायरों की भी आहा। तो जितने भी प्लास्टिक पार्ट हैं या रबड़ के पार्ट हैं अब फिलहाल उनकी पॉलिशिंग हो रही है। तो फाइनल लुक देखो जी ट्रैक्टर का, ये देखो जी पूरी पॉलिश वॉलिश लग के टायरों पर, अब फाइनल देख लो जी कि क्या कंडीशन आ गई है। उत्तम भाई और कोई मंत्र बाकी तो नहीं? ठीक है, तो भाई टाइम की कमी वाला कोई भाई ना आइयो। ये देखो जी पूरा आगे से पीछे तक वॉक अराउंड जिसे बोलते हैं वो देख लो जी कहीं जो है। तो ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा भाइयों, वॉशिंग कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना, और ये शौकीन भाइयों का काम है। कुछ भाई ये कहेंगे कि टायरों पे ट्रैक्टर पे पॉलिश चलना तो खेत में है, लेकिन बस करानी है तो करानी है।